उनको अपने बुरे वक्त में बुलाओ, और अगर वो नहीं आ रहा तो बिल्कुल मैंने मन से मत दो। रैली के टाइम पे मैं देखता हूँ फतेहाबाद के अंदर और बाहर के अंदर आस पास के क्षेत्रों में जाता हूँ तो मंच में 50 नेता होते हैं, और जिस क्षेत्र में अगर कोई घटना हो जाए तो 5 नेता लहर नहीं आते मुझे, फिर आवाज एक ही नेता उठाता है तो उसी नेता को मंच उठा रहा ना। फिर आपको कौन काम आ रहा है उस व्यक्ति को अपना नेता मानो, उसको भी मंच दो। बिल्कुल समाज के जो बुरे वक्त में नहीं आ रहे या समाज को नेगेटिव दिशा में ले जा रहे हैं ऐसे नेता को तो बहिष्कार करो। अगर मनोज भाई आपके समस्याओं को तैयार करो, आप सब लोग अम्मी ताकत लगा दे, देखते आने वाले टाइम पे कौन रहता है। लेकिन इस तरह दो लोग हाथ खींचते तो दो लोग टांग खींचते हैं, तो इस तरीके से नेता का समाज सेवी का मनोबल गिर जाता है। तो ये आपसे बड़ा निवेदन है, ये गिर रहा है पूरे हिंदुस्तान को नहीं समाज पाएगा। गाँव गाँव से किरदार निकलना चाहिए, गाँव गाँव से एसपीसी बघेल निकलना चाहिए, हमें चाहिए हर जिले के अंदर राकेश बघेल जो समाज की समस्याओं को। आपका जो फेवरेट आदमी है उसे अपने प्रोग्राम में बुलाओ और वो आपको जागरूक करे। समाज के नेताओं से बड़े विनती करना चाहूंगा, अगर सामाजिक प्रोग्राम में जा रहे हैं और बोर्ड लोकमाता देवी है लगाई का लग रहा है तो अपनी राजनीति रोटी से ना सीखे उसमें, उसमें सिर्फ समाज को जागरूक करने का काम करें। जय मां अहिल्या जय मल्हार, आपका पहलवान भाई धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग पधारे मेरे गांव में, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, जय माँ अहिल्या जय मल्हार करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग मेरे गांव में आए, ये बड़ा सौभाग्यशाली लोग हैं हम सब लोग। आप सब लोगों के बहुत दूर दूर से फेसबुक से इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छा मौका लगा कि आप सभी लोग इतने दूर से कई प्रोग्राम को छोड़कर हमारे गाँव से मंगलपुर में आए, तो आप हमारी पावन धरती पर आए हुए आपका सभी पूरी बसई मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत एवं छत्तीसगढ़ से आपका बताए दिन से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करके प्रणाम करते हैं। सभी का बहुत हृदय की गहराइयों से अनंत गहराइयों से बार बार प्रणाम और नमन करता हूँ। मुझे बड़ा सौभाग्य अच्छा महसूस हो रहा है और पूरे गांव में जितने भी समाज के लोग हैं उन्हें बहुत बड़ा हर्ष और महसूस हो रहा है कि केदार भाई ऐसी शख्सियत हैं, पूरी टीम के साथ चलती हैं कि एक कॉल के माध्यम से एक मैसेज के माध्यम से वो आपको हमारे बीच में जितने भी राजनेता रहते हैं वो कभी हमारा इतना सहयोग नहीं कर सकते, तो अपने गिरिराज भाई को सभी लोग तन और मन से और धन से उनको सहयोग किया करें और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी उन्हें फॉलो किया करें और हमेशा सपोर्ट किया करें और हमेशा गांव में यूनिटी बना के रखा करें, हाथ पकड़ने की कोशिश किया करें, टांग खींचने का प्रयास ना करें, हाथ पकड़ा करो हाथ आगे तक जाएगा तो भाई अगर मजबूत होगा तो ये गांव आपका मोहल्ला एक मजबूत होगा। अगर दो लोग एक मोहल्ले से निकलते हैं तो कम से कम वो दो लोग चार मोहल्ला को इकट्ठा करते हैं, कम से कम 10-20 लोगों की एक यूनिटी बनाई है। आप सभी लोगों से मेरा इतना ही आग्रह और हमेशा एक यूनिटी के साथ बनके संगठन बना के रखता हूँ, ठीक है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।